हाँ भाई, तुमने दिया दूसरा अंडा यार। भाई आज इसको तीसरा दिन है और मैं यही सबसे पहले चेक करने आया हूँ दोस्तों कि इसने अंडा दिया या नहीं। हटो, नहीं दिया आज भी यार तुमने। वो देखें दोस्तों, दो ही अंडे हैं सिर्फ, देखे ना आप लोगों को, देखें एक जो है बफ का है, ये सामने वाला जो ऑरेंज टाइप का हल्का फुल्का ब्राउन सा, और जो व्हाइट है वो इसका अपना है। यार तुमने दो अंडे क्यों नहीं दिए, तुमने एक अंडा क्यों दिया है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। यार मुझे जो लग रहा है ना दोस्तों, वो ये लग रहा है कि हमारे जो सैटेलाइट पिजन्स है ना, इन्होंने एक अंडा तोड़ के ये खा चुके हैं कब का, मुझे पक्का यही शक है। खैर से यार, इनको सबसे पहले तो मैं दाना डालूं। भाई बैठो मत अभी, पहले दाना खा लो फिर बैठ जाना आराम से। पहले इनको दाना डालूं। यार देखो इनके अंदर में ये नज़र पड़ती है ना, वो होता है कितना गंदा कर दिया इन्होंने। अभी सफाई की थी हमने तकरीबन चार दिन पहले या पाँच दिन पहले जब मैंने की थी, तो देखें वापसी क्या हल कर दिया इन्होंने यार। अंदर से सारों का गंदा हो गया, फिर से साफ़ करना पड़ेगा, पर अभी अंडों पर बैठ गई है तो अभी हम साफ़ नहीं करेंगे। तो यार फुरकान जो है वो नीचे गेट बजा रहा था पर अभी तक नहीं आ तो गया। हाँ आ गए, आ जाओ भाई। तो यार आज का काम जो है ना वो बहुत मज़ेदार सा है। वो काम क्या है, काम तो क्या मतलब, आज जो हमने करना है ना वो बड़ी टाइट सी चीज़ है। क्या है? लेकिन तुम डरोगे क्यों, क्या है ऐसा, क्या है ऐसा? यार चलो मैं बताता हूँ उसे थोड़ी देर में। पहले यार इनको सबको दाना पानी डाल दें दोस्तों। और ना आज मैंने सुबह सफाई नहीं कर पाया, ये देखें कितना गंदा हो रहा है, ये देखें पूरा कितना गंदा हो रहा है, ये पड़ा हुआ सारा गंद, ये सारा। तो मैं जल्दी से इनकी सफाई भी कर दूं और खुद जो है वापसी से गंदा हो जाऊं नहाया धोया हुआ। तो चलता है भाई, परिंदों में चीज़ें मुझे करनी पड़ जाती हैं अक्सर डबल डबल। तो खैर से यार जल्दी से करूं फिर बताता हूं तुम्हें क्या काम है, और ना ये आज पक्का डर जाएगा। हसन भाई क्या सीन है भाई? भाई सीन ये है, वो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। फिलहाल तो मैं यार डब को देखने आया था। क्या देख रहे हो यार? दोस्तों हमारी जो डब है ना वो अपने पाँव में फंसा के रख के बैठा हुआ है, मील चुलबुल जो है ना। ये कहाँ से आया इसके पाँव में यार, मुझे बड़ा एहतियात से निकालना पड़ेगा वरना इसके पाँव बन गए ना, और फीमेल के पर है। क्या ये हमारे पास चुलबुल क्या फंसाया हुआ है? तुमने जरा पैर दिखाओ, ये देखें देख रहे हो ये आया कैसे तुम्हारे? तो ये तरपाल का है। तरपाल का तो है, यहाँ तक कैसे पहुँचा? और भी तो कहीं भी नहीं है, हवा चल रही है भाई इसको। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी इससे बनी दोस्ती वोस्ती अपनी पार्टनर से, जल्दी तो उसके साथ मीटिंग करो और अंडे अंडे दो मुझे। क्यों? सही बात है यार, अंडे चाहिए और जल्दी से, छोटे छोटे बच्चे इतने इतने से होते हैं, बच्चे इतने इतने से प्यारे होते हैं। चलो भाई आप अंदर जाओ यार, चलो अपने पार्टनर के पास। यार ये जल्द सेट हो जाए यार, मैं इनका वेट कर रहा हूँ दोस्तों। ये पता नहीं कब तक सेट होंगे, वैसे चार से पाँच दिन लगता है इनके, और हो सकता है कि ऊपर भी लग जाए, कुछ पता नहीं है कब आपस में मिले और कब तक इनका पेयर बनता है। मुझे बहुत जल्द की उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द बन जाए। अबे भाई कितने डर में हसन भाई, ये इनको भाई बेचो इनको। ये क्या नाम है इनका यार? हाँ कॉकटेल को बेचो। अबे बहुत डरपोक हैं यार ये। यार ये मुझे भी ना बहुत परेशान करते हैं। अच्छा मेरे को पता है, ऐसा लग रहा था ये हिंटे हो जाएंगे, मैं इनको दाना डालने आता हूँ ना तो यहाँ के बैठ जाएंगे यहाँ पर, वो सिर्फ पानी वगैरह की वजह से आते हैं। वो मैं समझ गया, मैंने तुम हिंटे होने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने अंदर हाथ डाला ना अकेले में, चेक तो करूँ, हमला कर रहे हैं मेरा भाई। नहीं इनका काटा हुआ बड़ा खतरनाक होता है यार। वैसे तुम सही बोल रहे हो यार, क्या कहते हो निकालने इनको? निकाल दो, वैसे भी हैंड कम होते नहीं है, बहुत कम नहीं, वो बच्चे होते हैं। तो यार आप लोग बताएं दोस्तों, इनको हम सेल आउट कर दें, क्योंकि सिर्फ ये दो ही हैं हमारे पास, और ये जो दो हैं ना ये उनके बच्चे हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखे हुए हमारे कॉकटेल, ये उनके बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से सही बोल रहा है ये, इनको हम सेल आउट कर देते हैं और कोई और चीज़ ले आएंगे, है ना? ये सही, कोई और चीज़ ले आएंगे अच्छी सी, इन्हें सेल आउट कर देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं सेल आउट करें या नहीं, हमारा तो पूरा प्रोग्राम है, आप लोग बताओ फिर वो करेंगे। बताओ ना क्या है जो इतनी देर से भाई, यार हवा तुम एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, इतना टाइम बाद देखो कितनी प्यारी हवा चली है दोस्तों, ऐसी प्यारी हवा चली है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या मसला है वो बताओ, जो आप क्या बोल रहे हो, जो सुन के मैं डर जाऊंगा, देखकर डर जाऊंगा। भाई डरने वाली बात ये थी कि तुम सुल्तान को तो पकड़ ही लेते हो। हां पकड़ लेता हूं, पकड़ लोगे ना सुल्तान लग गया काटने। सुल्तान जो है ना उसको हमने छोड़ना है बाहर, और सुल्तान आप लोगों को पता है कितना टाइम हो गया अकेले छोड़े हुए, और इसके साथ जो है आज हम इसको सरप्राइज देने वाले। क्या है वो अभी दिखाते हैं हम क्या देंगे, समझ जाओ यार। मैं तो समझ गया, मतलब क्या है
समझ गए क्या जरूरी थोड़ी आया हुआ सरप्राइज दे यार, हमारे पास इतने सारे पड़े हैं, समझ जाओ यार। समझ गया समझ। तो यार इसे हम सरप्राइज देते हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो क्या सरप्राइज है वो मैं अब से थोड़ी देर में इसको खोल के मैं तुम लोग खुद दिखाता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। चलो भाई खोलेंगे। आ जाओ। तो वो आज हम क्या करने वाले हैं तुम्हें दिखाते हैं। तो यार हमारा सुल्तान ना दोस्तों बहुत ज्यादा ना अकेला महसूस कर रहा है काफी टाइम से। कैसे हम आज इसको ना यार थोड़ा बहुत वो भी दें। आओ भाई तुम बाहर आओ। अच्छा चलो भाई सुल्तान जाओ। जा सुल्तान जी। अपने सुल्तान को हमने देख के रखना है। बहुत सुल्तान ना हवाओं में उड़ता है ये ऐसे हवा में उड़ता है, कभी वहां बैठा मिलता है कभी वहां बैठ जाएगा। तो हमें इसका केयर करनी है, अकेले इसको नहीं छोड़ सकते। कैसे इसको सरप्राइज देने का मतलब हमारा ये था दोस्तों कि हम जो इसके साथ इस वाली मुर्गी को आज छोड़ के देखेंगे और फर्स्ट टाइम इसका मीटअप कराएंगे इसके साथ। भाई छोड़ते हैं तो यही सरप्राइज था इसके लिए। तो सरप्राइज ही क्योंकि इसने मुर्गी सिर्फ देखी अभी तक, साथ हमने नहीं छोड़ा जब से। और फिर इनकी पेयरिंग भी करानी यार ताकि वो मुर्गी जो है ना यार वो जल्द से जल्द अंडे देना शुरू कर दे दोस्तों। तो बस यही हम मेरे को मेन जो थी ना ये बात थी भाई जो तुम पूछे थे ना, तो ये सरप्राइज था। चलो यार दोस्तों आज इसको हम छोड़ देते हैं। ये लो भाई सुल्तान तुम्हारे सुल्तान को जो है वो हम देंगे रानी, उसका सरप्राइज दे दें। ये लो भाई लड़ने में मत लगो, ये लो ये तुम्हारी मुर्गी रानी सुल्तान को पता ही नहीं है। चलो जाओ उसके पास, नो लिफ्ट यार वहां जाओ ना उसके पास सुल्तान, वहां जाओ मुर्गी के पास। चलो अपनी तो भाई फाइनली हमने आज यही करना था कि आज सुल्तान को हमने उसके एक पार्टनर को दी दी है और जो दूसरी पार्टनर है ये वाली ये हम कुछ दिनों में उसको दे देंगे क्योंकि यार ये थोड़ा बहुत ना कुरीद में भी आई है और इसके जो पर है ना दोस्तों वो उखाड़ दिए हैं, वो उसी वाली मुर्गी ने उखाड़े हैं, थोड़ा नीचे से इटा हटा के सारे हटा दिए यार पर उसके बेचारे के, देखो ना गंजा कर दिया। कहते चलो भाई सुल्तान को हमने छोड़ना था, बस आज सुल्तान खुश हो गया होगा। क्या हो गया क्या हो गया, वो कहाँ घुसा हुआ है, कहाँ घुसा हुआ है, बाहर अंदर घुसा हुआ वो। हो भाई बड़ा गुस्सा आ रहा है सुल्तान को मुर्गी पे। भाई यार ये मुर्गी को मार ना दे, मुझे तो ये डर लग रहा है ये मुर्गी को मार मार ना दे क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है मुर्गी पे। सुल्तान चलो अंदर, चलो उधर उधर जाओ मुर्गी के पास, चलो 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 भाई रख दिया मैंने दाना, चलो जाओ उधर जाके खाओ अपने वाइफ के साथ। ओ चलो भाई फिलहाल इनकी मीटिंग हो गई यार, छोड़ते हैं थोड़ी देर। अब ये दोनों तो दोस्तों सेट हो गए, हमारे जो मुर्गा मुर्गी थे ये आपस में सेट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है यार। अब इनके जल्द से जल्द ना बच्चे आएंगे और ये मुर्गी जल्द से जल्द अंडे देने वाली है मेरे हिसाब से, दे देगी अब क्योंकि अब जो अंडे आएंगे और वैसे भी फर्टाइल आएंगे, अब अंडे जिनमें बच्चे बनने के पूरे चांस होते हैं वो फर्टाइल अंडे कहलाते हैं, तो इंशाल्लाह फर्टाइल अंडे आएंगे। यार मैंने चीज कर ली नोटिस के जो है हमारे पास सेब्राइड का बच्चा, इसको हम कभी फोड़ते नहीं है, पता नहीं क्या हसन भाई इसका बच्चा सेब्राइड का बच्चा हाँ क्या हुआ भाई खोल मत जाओ, क्यों फूले वो क्या फूले मतलब ये बड़ा है मेल कितना अच्छा वाकई में। हाँ मेरे भाई इसकी मादा मर गई हमारे कजन की, यहाँ हीट अप गर्मी की वजह से, गर्मी नहीं पड़ी थी बीच में कितनी अच्छा। उसकी वजह से मर गई और ये फूले और ये अंडे दिलवाता है। अब क्या हो गया तुम्हारे को ये नहीं पता, फूले भाई है इसके वो देखो इतने इतने से खून निकले में, इसका साइज इतना होता है और ये मतलब फूल वाला नहीं बुढ़ा, ये भी जवानी में मतलब अंडों पे है, बच्चा नहीं कहलाएगा ना इतने बड़े फूल है इसके। खैर से तो इसको भाई खोलते क्यों नहीं उसको यार, इसको खोला ना भी अकेला है ना, मुझे ये हो रहा है उड़ उड़ा के कहीं बैठ ना जाए। उस दिन भी है ना पहले भी एक मरता ऊपर बैठ चुका, मेरे को ये डर लग रहा है कहीं ऊपर से और ऊपर ना चले जाए। अच्छा तो इस वजह से नहीं खोलते, अभी खोलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों एक से दो तीन दिन में। चलो तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे इसको खोलते हैं, और मैं तो चाह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं एक और चीज़ सोच के बैठा हुआ हूँ वो बहुत जल्दी करेंगे हम, लेकिन अभी बताऊँगा नहीं, वो जल्दी करेंगे सारे परिंदों के साथ। तो यार दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। ये क्या कर रहे हो तुम, अबे यार वो मास्टर के ना हाँ वो पकड़ रहा हूँ डब, ये तुम मजाक उड़ा रहे हो ना है ना, मजाक उड़ा रहे हो ना, शर्म करो शर्म। एक तो इजाजत नहीं मिली ऊपर से मेरी, और हटा रहे हो तुम, और हटाओ तुम मिल के सबके साथ, एक तो इजाजत नहीं मिल रही है उसके ऊपर ये और कर रहे हैं भाई साहब आके।